स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट लेसन ऑफ रोली. हम यानी कि हम सब समुदाय. बच्चों, आप दूसरों की मदद कैसे करते हो? क्या आपने कभी किसी की मदद की है? हाँ, यकीनन ही आपने आपके दादा दादी या फिर अपनी माँ या किसी ना किसी की मदद तो जरूर की होगी. बच्चों, मुझे बताओ, प्रकृति, इस प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? प्रकृति हमें क्या क्या देती है? हाँ, ये सुंदर प्रकृति हमें शुद्ध हवा, पानी, पेड़ पौधे, फल, सुंदरता, ये सभी चीजें देती है. प्रकृति के कण कण को ईश्वर ने बहुत ही सुंदरता से और बहुत ही बखूबी से निखारा है ना? बच्चों, जिस देश की धरती पर हमने जन्म लिया है, जिस देश में हम रहते हैं और जिस समाज ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, उसके प्रति हमारा भी एक बड़ा कर्तव्य होता है. हमें अपना पूर्ण समर्पण से उस कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए, न कि स्वार्थी होकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए. तो बच्चों, आइए इसी विचार के साथ यही बात इस कविता में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हम. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड दिस पोएम वन टाइम. हम प्रभात की नई किरण बन नई ज्योति बिखराएंगे. हम प्रभात की नई किरण बन नई ज्योति बिखराएंगे. कण कण को तृण तृण को मोती माणिक सा चमकाएंगे. हम तरु तरु के नए सुमन बन उपवन नए सजाएंगे. हम तरु तरु के नए सुमन बन उपवन नए सजाएंगे. नूतन मधु मकरंद सुरभि के कण सर्वत्र लुटाएंगे. हम भ्रमरों के नव गुंजन बन नूतन स्वर में गाएंगे. हम भ्रमरों के नव गुंजन बन नूतन स्वर में गाएंगे. कली कली का फूल फूल का आनंद हृदय खिलाएंगे. कली कली का फूल फूल का आनंद हृदय खिलाएंगे. हम लहरों की नव उमंग बन सरिता नई बहाएंगे. हम लहरों की नव उमंग बन सरिता नई बहाएंगे. सिंचित कर मिट्टी के कण कण हम सोना उपजाएंगे. सिंचित कर मिट्टी के कण कण हम सोना उपजाएंगे. हम प्रभात की नई किरण बन नई ज्योति बिखराएंगे. मतलब सूरज जिस तरह प्रभात यानी कि सुबह की बेला में सूरज जिस तरह अपनी नई किरण बिखेरता है और अपनी नई किरणों से कण कण यानी कि पृथ्वी का हर एक कोना और तृण यानी कि तिनका. सूरज अपनी नई किरणों से पृथ्वी के हर एक कण कण को हीरे मोती जैसा चमकाता है. मोती माणिक यानी कि हीरे. जिस तरह सूरज अपनी नई किरण के साथ पृथ्वी की हर एक कण कण को और तृण को हीरे मोती जैसा चमकाता है, उसी तरह हमें भी सृष्टि के कण कण को हीरे मोती जैसा चमकाना है. हम प्रभात की नई किरण बन नई ज्योति बिखराएंगे. कण कण को तृण तृण को मोती माणिक सा चमकाएंगे. यानी बच्चों, सूरज जिस तरह अपनी किरणों के साथ नई ज्योति बिखराता है और कण कण को चमकाता है, उसी तरह हमें भी लोगों के मन में उम्मीद की एक नई किरण जगाना है और हीरे मोती जैसा चमकना है. हम तरु तरु के नए सुमन बन उपवन नए सजाएंगे. तरु यानी कि पेड़ वृक्ष.
तरु के नए सुमन बन, सुमन यानी कि पुष्प फूल। पेड़ पर उमले हुए जो फूल होते हैं वो उपवन की शोभा बढ़ाते हैं। उपवन यानी कि बगीचा। तो पेड़ पर उमले हुए जो नए पुष्प है वो जिस तरह से उपवन की शोभा बढ़ाते हैं, उसी तरह हमें भी पृथ्वी का ये जो पृथ्वी नाम का ये जो उपवन है उसकी शोभा हमें बढ़ाना है उन सुंदर फूलों की तरह। नूतन मधु मकरंद सुरभि के कण सर्वत्र लुटाएंगे, यानी कि पेड़ पर उमले हुए जो फूल है वो जिस तरह से नूतन यानी कि नया, मधु यानी कि मीठा, मकरंद यानी कि फूलों का जो रस होता है शहद, तो इन नए फूलों से निकला हुआ जो शहद होता है, इन नए फूलों की जो सुंदरता होती है जो मिठास होती है, उसी तरह वो जिस तरह पृथ्वी का हर एक कण कण अपने सुगंध से महकाती है, उसी तरह हमें भी इन नए पुष्प की तरह, नए फूलों की तरह पृथ्वी का ये जो उपवन है इसे सजाना है। जिस तरह सुंदर पेड़ पौधे और फूलों से उपवन बनता है और उपवन यानी कि बगीचा जिस तरह बनता है और जिस तरह सुंदर बनता है, उसी तरह नए सुगंधित फूल के रस पृथ्वी के कण कण में जिस तरह अपनी सुगंध महकाते हैं, उसी तरह हमें भी वैसी ही सुंदरता पृथ्वी के कण कण में हमें लुटानी है, महकानी है। यानी कि हर एक व्यक्ति की सहायता करके, पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति की सहायता करके हमें अपने अच्छे विचारों से पृथ्वी के कण कण को सुगंधित करना है, प्रफुल्लित करना है। हम भ्रमरों के नवगुंजन बन नूतन स्वर में गाएंगे। भ्रमर यानी कि भौरा और गुंजन यानी कि भौरों की जो आवाज होती है, भ्रमरों का जो गुंजारव होता है उनकी आवाज होती है, उन भ्रमरों के गुंजारव की तरह, उन भ्रमरों के गुंजन की तरह हम भी नूतन स्वर में गाएंगे। जिस तरह से वो अपनी आवाजों से उपवन की शोभा बढ़ाते हैं, उसी तरह हम भी कली कली का फूल फूल का आनन हृदय खिलाएंगे। आनन यानी कि मुख। जिस तरह भौरे फूलों पर गाकर अपने गुंजारव से उपवन की शोभा बढ़ाते हैं, उस तरह से हम भी हर एक कली का फूल फूल का मुख और हृदय खिलाएंगे। यानी कि हम भी अपने विचारों से, अपनी सहायता से हर एक की मदद करेंगे और उनके मुख पर आनंद लाएंगे, उनका हृदय खिलाएंगे। यानी कि सबकी सहायता हमें करना है। हम लहरों की नव उमंग बन सरिता नई बहाएंगे। सरिता यानी कि नदी। नदी में जिस तरह से लहरें होती है उसी तरह से हम भी अपनी विचारों की लहर हमें बहाना है और उन विचारों में हमेशा नयापन लाना है। जिस तरह से हर एक नई लहर, नदी की हर एक नई लहर नई उमंग लाती है, उसी तरह से हमारे विचारों में भी हमें नयापन लाकर उसमें लहरों की तरह नई उमंग बहाना है। सिंचित कर मिट्टी के कण कण हम सोना उपजाएंगे। सिंचित यानी कि सींचना। किसान जिस तरह से अपने खेत में मिट्टी को सींचता है और उसमें से धान उगाता है, उसमें से सोना जिस तरह से वो उगाता है, तो उसी तरह से हमें भी लोगों के मन में उम्मीद की नई किरण जगाना है और हर एक व्यक्ति की सहायता करके हमें भी अपने अच्छे विचारों से पृथ्वी के कण कण को सुगंधित करना है।